नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्या ज्ञान पॉइंटर। नित्या ज्ञान पॉइंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संविधान। तो संविधान की अर्थ हम लोग देखेंगे, उसके कुछ परिभाषाएं देखेंगे, वर्गीकरण या प्रकार, उनका किन किन प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लासेज है भाई, ये जानते हैं आपकी GIC लेक्चरर के लिए चल रहा है स्पेशली। तो संविधान का अर्थ हम लोग देखते हैं। संविधान उन नियमों के समूह या संग्रह को कहा जाता है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार का क्या होता है, संगठन होता है। तो भाई बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जब भी हम लोग शुरू से ही संविधान पढ़ते आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि संविधान की परिभाषा वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, कि संविधान क्या होता है। तो ये क्या होता है भाई, ये देश का सर्वोच्च कानून होता है। सरल शब्दों में संविधान क्या होता है, तो संविधान किसी राज्य की शासन प्रणाली को विवेचित करने वाला क्या होता है भाई, कानून होता है। और यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। ठीक है, क्या होता है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख भी होता है। तो राज्य के लिए संविधान का वही अर्थ और महत्व है जो कि मनुष्य के लिए शरीर का महत्व है। ठीक है, अतः संविधान राज्य का शरीर है, यानी राज्य के संबंध में शरीर का अर्थ है कि उस राज्य की पद्धति। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। यूनानी दार्शनिक महोदय थे अरस्तु। अरस्तु के शब्दों में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, तो संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए क्या किया जाता है, अपनाई जाती है। तो फाइनली हम लोग अब आ जाते हैं संविधान की परिभाषा पर। तो कई कई विद्वान हैं, उन्होंने संविधान की परिभाषा दिया है। अब जानना ये है कि जो आपकी GIC होती है, TGT होती है, PGT होती है, आपकी NET होती है, इन सारे एग्जामों में नॉर्मली ये नहीं पूछा जाएगा कि संविधान कितने प्रकार का होता है। ठीक है, संघात्मक, अध्यक्षात्मक, ये वो। ठीक है, इसमें ये जो परिभाषा देते हैं विद्वान महोदय लोग, यही जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने इसके बारे में क्या कहा। तो 90% जो है आपका यहीं से पूछा जाता है, तो इसी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। डाइशी महोदय है, डाइशी महोदय के अनुसार संविधान उन कानूनों को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। तो ये किसने कहा, डाइशी महोदय ने कहा। उल्फे के शब्दों में अगर देखा जाए तो संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियों और शासितों के अधिकारों तथा दोनों के बीच संबंधों का समन्वय किया जाता है। ये किसने कहा, उल्फे महोदय ने कहा। फाइनर महोदय आएंगे और वो कहेंगे कि राज्य मानवीय वर्ग बंधन है जिसमें एक प्रकार की शक्ति संबंध इसके व्यक्तियों और उससे जो संबंध संघटक होते हैं उनके बीच शासन करता है। तो यह जो शक्ति संबंध होता है वो राजनीतिक संस्थाओं में मूर्तिमान होता है। तो मूलभूत राजनीतिक संस्थाओं का प्रकार जो होता है वही क्या है, वही संविधान है। ये किसने कहा, तो ये फाइनर महोदय ने कह दिया। आगे गिलक्राइस्ट महोदय आएंगे और वो कहेंगे कि संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित विधियों और नियमों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है और शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है जिन पर उन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं नियरली जो हम लोग संविधान की परिभाषा पॉलिटी में पढ़ते हैं वो यहाँ से कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, आगे आएंगे CF स्टांग महोदय और ये कहेंगे कि संविधान उन सिद्धांतों के संग्रह को कहा जा सकता है जिनके अनुसार शासन की शक्तियाँ, शासितों के अधिकार तथा दोनों के मध्य संबंध क्या होते हैं, समायोजित होते हैं। तो फाइनली इतने विद्वानों ने जो अपनी अपनी राय के अनुसार संविधान का परिभाषा दिया। आगे आएंगे बूवियर। तो बूवियर ने अपने कानूनी शब्दकोश, इनका एक कानूनी शब्दकोश नाम से किताब है, तो कानूनी शब्दकोश में संविधान की परिभाषा किस प्रकार से दी है उसको भी देख लेते हैं। तो किसी राज्य का वह मौलिक कानून जो उन सिद्धांतों को का निर्देश करता है जिन पर सरकार की नींव डाली जाती है, जो संप्रभुता शक्ति के व्यवहार और उपयोग का नियमन करता है और जो निर्देश देता है ये शक्तियाँ किन किन संस्थाओं और व्यक्तियों को सौंपी जा सकती हैं और किस प्रकार उनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, संविधान कहलाती हैं।
अब हम लोग देखेंगे संविधान का वर्गीकरण या प्रकार। तो संविधान का वर्गीकरण हम कई आधारों पर कर सकते हैं, कहीं कहीं 3 आधारों पर लिखा है, कहीं कहीं 5 आधारों पर लिखा है। तो ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती हैं, ये चीज़ें आपसे बहुत कम पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर जो है 5 आधारों पर किया गया है, तो आइए हम उसको देखते हैं। संकलन के आधार पर, ठीक है। तो संकलन के आधार पर आपका लिखित संविधान होता है और अलिखित संविधान होता है। तो लिखित संविधान में भाई किसका एग्जाम्पल दोगे आप? अपने ही देश का एग्जाम्पल दे दो, इंडिया। इंडिया का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। अलिखित संविधान का एग्जाम्पल किस किसे दोगे भाई? ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो लिखित संविधान क्या होता है भाई? जहाँ पर ऐसे आपको पेज में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके नियम कानून, जैसे कि भारत का संविधान। ब्रिटेन का संविधान है वो कोई लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जो भी रीति रिवाज चलते चले आ रहे हैं, न्यायालय जो आदेश दे रही है, महारानी के अनुसार जो कुछ आदेश पारित हो रहे हैं, वो ऐसे पेज बाई पेज हम रखते जा रहे हैं, वही उनका संविधान बन गया, ठीक है। तो उनका लिखित संविधान नहीं है, इसलिए उनका अलिखित संविधान है। संवैधानिक संशोधन की प्रकृति के आधार पर, तो संशोधन करने के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है। एक होता है नम्य अथवा लचीला संविधान और दूसरा होता है अनम्य अथवा कठोर संविधान। किसके आधार पर? संशोधन। तो हम लोग जानते हैं भाई कि ये जो संविधान का संशोधन है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। अगर हम भारत की बात करें, साधारण होता है, विशेष होता है, और विशेष प्लस आधे राज्यों से अधिक की सहमति। तो लचीला संविधान किसे कहेंगे? जो कि साधारण बहुमत से ही क्या किया जा सके, उसको संशोधित किया जा सके, यानी कि आसानी से उसमें संशोधन किया जा सके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नम्य या लचीला संविधान। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग किसका? ब्रिटेन का संविधान, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए। अनम्य अथवा कठोर संविधान किसे कहेंगे भाई? जो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति, इन दोनों से अगर उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये अपेक्षा के थोड़ा सा कठिन है। तो इस प्रकार से क्या होता है वो कठोर संविधान कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं अमेरिका का संविधान, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो भारत में नम्य भी है और अनम्य भी है, दोनों का मिश्रण है, ठीक है। भारत में हर चीज में जो है पंचमेल खिचड़ी है। अगला देखेंगे प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर होती है परिसंघीय संविधान और एकात्मक संविधान। तो अगर परिसंघीय संविधान की बात करें तो परिसंघीय क्या होता है? परिसंघीय व्यवस्था वो होती है भाई कि जिसमें अलग अलग अपने राज्य होंगे और अपने राज्य अलग अलग मिल करके ये क्या कर लेंगे, एक समझौता कर लेंगे, एक जो है संघ टाइप का बना लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि राज्यों की अपनी जो संप्रभुता है, जो अपनी एक अलग शक्ति है, पावर है, वो बनी रहती है, ठीक है। वो संघ के अंडर में नहीं आते हैं। जहाँ तक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये जानना है, संघ के बहुत ज़्यादा अंडर में नहीं आते हैं। जबकि अगर भारत की बात करो तो भारत क्या है? संघ है। तो संघ में एक मेन संघ है और उससे जो है राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकता है और संघ के अंडर में रह करके काम करता है, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हो। तो परिसंघीय व्यवस्था का जो एग्जाम्पल आप देख सकते हो वो आप देख सकते हो USA, अमेरिका में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो 50 स्टेट हैं वो मिलकर के एक, जहाँ आपको USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण करते हैं। लेकिन जो अलग अलग राज्य हैं उनकी संप्रभुता क्या है? बरकरार है। वो अपना काम जो है स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया USA का एग्जाम्पल। अगला हम लोग देखेंगे एकात्मक संविधान। तो एकात्मक संविधान क्या होती है? जैसे कि सारी शक्तियाँ किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाएं, या सारी शक्तियाँ केवल और केवल केंद्र के हाथों में हो, राज्य को कोई भी अलग से पावर या शक्ति ना प्रदान की गई हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो चीन का संविधान देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? एकात्मक है। अगला देखेंगे संविधान की उत्पत्ति के आधार पर। तो ये हो जाएगी विकसित और हो जाएगी निर्मित। तो विकसित क्या होती है? विकसित आपको पहले ही बताया, जैसे कि ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ब्रिटेन में क्या है, जैसे कि रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो सारी चीज़ें धीरे 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 लिखते गए, लागू करते गए। जो न्यायाधीश हैं या जो न्यायालय है वो आदेश देता गया,
चीज़ों को हम रखते गए, ठीक है, महारानियों को, महाराजा का कुछ आदेश आया रखते गए, तो धीरे 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 ये विकसित रूप में क्या बन गया, ये जो सारे नियम हैं उनका एक समूह बना लिए और उसी को हम बोल दिए संविधान हो गया। तो एक विकसित संविधान हो गया, ठीक है, क्रमिक रूप से। निर्मित संविधान किसे कहते हैं, जैसे कि मान लो भाई भारत का जो संविधान बना था वो किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। तो संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा में कुछ लोग बैठे और उसको जो है चर्चा किए, बहस किए और संविधान का निर्माण किए, तो इसको बोलते हैं हम लोग निर्मित संविधान, ठीक है, जैसे कि इंडिया। तो ये चीज़ें आपको समझना है, अगर एग्जाम में आए तो ये गलती नहीं करना है। आकार के आधार पर अगर हम लोग देखें तो लघु संविधान होता है, दीर्घ संविधान होता है। लघु संविधान का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका यूएसए का है। यूएसए का इतना छोटा संविधान है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा 10-15 पेज में है सब आ जाएगा, ठीक है, केवल 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है, 10 पेज में मान लो कि आ जाएगा। दीर्घ संविधान की बात करें भैया, वो है भारत का संविधान, अपने ही देश का संविधान, सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे समझना है। अब हम लोग अलग से देखते हैं कि विकसित और निर्मित संविधान, ठीक है, क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विकसित संविधान। जो विकसित संविधान होता है वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण किसी निश्चित संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। वो लंबे जो राजनीतिक विकास होते हैं उनका परिणाम होते हैं। इनमें प्रथाएं हो गई, परंपराएं हो गई, रीति रिवाज हो गया, न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं वो हो गया, राजनीतिक चेतना की मुख्य भूमिका इसमें होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन का संविधान, ये क्या है, विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें आपको पीछे मैंने बता दिया है। अगला जो है वो है निर्मित संविधान। तो निर्मित संविधान क्या होता है, तो निर्मित संविधान वे सारे संविधान होते हैं जिनको निश्चित समय पर एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया हो, बनाया गया हो, लेखबद्ध किया गया हो। तो निर्मित संविधान का पहला उदाहरण जो है वो अमेरिका का संविधान है। पहला उदाहरण, सबसे पहला जो निर्मित संविधान आया वो किसका आया, अमेरिका का आया, जिसका निर्माण वहाँ की तत्कालीन 13 राज्यों द्वारा फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद निर्मित में देखोगे तो भारत का भी संविधान निर्मित में ही है। लिखित या अलिखित संविधान, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिखित संविधान। तो लिखित संविधान क्या होता है, तो लिखित संविधान वह होता है जिसके जो अधिकांश अंश या एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे जाते हैं, ठीक है, लेख पत्रों में लिखे गए हों। तो ऐसे संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संपूर्ण विचार विमर्श द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अगला है अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान किसको कहते हैं, तो अलिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं भाई जिसका जो अधिकांश भाग है वो क्या हो, अलिखित हो। तो इस संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति अथवा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा क्या हो, नहीं किया जाता है। यह संविधान क्या होता है, निरंतर विकास का परिणाम होता है और इसके विकास में परंपराएं, प्रथाएं और आदि जो न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाते हैं उन सब का योगदान होता है और महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के जो पारस्परिक संबंध हैं उनका निर्धारण कैसे होता है, तो परंपराओं के द्वारा होता है, ठीक है, कैसे होता है, परंपराओं के द्वारा होता है। अगला हम लोग देखते हैं लचीला या सुपरिवर्तनीय संविधान और कठोर संविधान। तो भाई लचीला संविधान किसे कहा जाएगा, तो लचीले संविधान से तात्पर्य ऐसे संविधान से है जिसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, अत्यंत सरल हो, ठीक है, अर्थात जिस संविधान में हम सरलता पूर्वक परिवर्तन कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। और इसे परिवर्तनशील या नमनीय संविधान भी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो ब्रिटेन का संविधान है वो एक लचीला संविधान है। वहाँ जिस प्रकार साधारण कानून बनाए जाते हैं उसी प्रक्रिया से ही संविधान में क्या कर दिया जाता है, संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। कठोर संविधान क्या होता है, तो लचीले संविधान के विपरीत क्या होता है कि कठोर संविधान में परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। कठोर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होती है, जटिल होती है, अतः उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो लिखित संविधान ही क्या होता है, कठोर हो सकता है, लिखित संविधान ही कठोर हो सकता है, क्योंकि भाई जो लिखा रहेगा उसमें नियम कानून लिखा रहेगा कि इसको कैसे संशोधित किया जाएगा, जो लिखा ही नहीं रहेगा उसमें कैसे पता चलेगा किसको कैसे संशोधित किया जाएगा, उसको कैसे भी कर सकते हैं। तो जो लिखित संविधान है, लिखित संविधान के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या कर दी जाती है, स्पष्ट कर दी जाती है,
तो इस प्रकार से लिखित संविधान ही यहाँ पर आपका कठोर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा भाई संविधान। ठीक है, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान की परिभाषाएं क्या होती हैं, संविधान का वर्गीकरण या कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और विभिन्न विद्वानों द्वारा संविधान के संदर्भ में क्या क्या कहा गया। ठीक है, तो आशा करते हैं बिल्कुल ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, यहाँ पर कमेंट करिए, या फिर आप क्लास में कमेंट करिए, या फिर जो ग्रुप आप लोग ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम पर, वहाँ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।